मेरा नाम प्रकाश चंद्र मिश्र है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रॉयल खंड यूनिवर्सिटी बरेली में कार्यरत था और मैं MHRD के अंदर काम करता था। अभी मैं रिसर्च स्कॉलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में हूँ और मैं इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्र IIT BHU डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी कोऑर्डिनेटर वैदिक विज्ञान केंद्र BHU और संचालन डॉक्टर दया शंकर त्रिपाठी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट BHU। इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने तहे दिल से कि आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दी आप लोग के सामने कुछ बताने के लिए। बेसिकली आज जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा उसको को रिलेट करने की कोशिश की है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैंने बस कोशिश किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से जस्टिफाइड हो, अगर नहीं हो तो आप क्वेश्चन कुछ पूछ भी सकते हैं। बेसिकली मेरा मानना ये है कि जैसे कि हम लोग जहाँ भी हैं इस समय जिस पोजिशन में भी हैं उसके पीछे फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये यहाँ फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसमें भी फिजिक्स है। आपकी जो बैठने की पोजीशन है उसमें भी फिजिक्स है, किसी चीज़ का मूवमेंट है उसमें भी फिजिक्स है, और एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स जिसको हम अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं उसका बहुत बड़ा रोल ही वही इंजीनियरिंग है जिसको हम लोग अभियांत्रिकी कहते हैं। तो इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है और जो उससे रिलेटेड ब्रांचेज हैं लाइक बायोमेडिकल एंड अदर्स, इन सब में फिजिक्स है। बिना फिजिक्स के इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ ब्रांचेज हैं लाइक कंप्यूटर साइंस, इन सब में मैथ्स है, लेकिन फिजिक्स सबसे ज़्यादा यहाँ है। और जब मैं तो वेद का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जब वेद में आप जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फिजिक्स है। और फिजिक्स है इसका मतलब अप्लाइड फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स जानना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उसमें इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है, वही थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैं बता रहा था ये कि जो ऋग्वेद है इसमें प्लैनेट की पोजीशन बताई गई है कि सन फिक्स है, अर्थ उसके सामने रोटेट कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको गुरुत्वाकर्षण के रूप में मेंशन किया गया है तो वो भी ऋग्वेद में मेंशन है। फिर मास एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन, जो मैंने बताया कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, ये भी चीज़ें उसमें मेंशन है। और जो मेजरमेंट के मेथड हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लंबाई, समय, टाइम, ये सब चीज़ें भी उसमें मेंशन है। फिर जो अथर्वेद है वो बताता है कि बिजली पैदा कैसे होती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेथड वो बताती है। और जो सन है वो सन की जो लाइट है वो डिफरेंट 7 कलर से मिलके बनी है, ये बताता है। यजुर्वेद जो इंजीनियरिंग पार्ट है वो ये है कि मेडिकल से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जितने भी हैं उससे रिलेटेड वो डिस्कस है। तो इस तरह से है। तो मैं चूंकि जिस एरिया से हूँ उस एरिया में वेद कहाँ कहाँ जुड़ सकता है वो मैंने कोशिश किया है, तो मैंने कोरिलेट किया है, पूरी तरह नहीं हुआ है, जितना भी हो पाया मैंने उसे कोरिलेट किया है। तो एक हम लोग का एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाइनरी सिस्टम है वो 0-1 पर डिपेंड करता है। तो अगर हम 0-1 पर देखें तो जो 0 है वो तो जो 0 है वो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने 0 के बारे में बोला था, उसको उन्होंने शून्य बोला था, जो अभी 0 बोलते हैं उसे उन्होंने शून्य के रूप में बताया था कि शून्य होता है। फिर एक भास्कराचार्य है, उन्होंने बताया था किसी भी नंबर को 0 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आज के टाइम में उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ें पहले ही मेंशन है। आर्यभट्ट ने ये बताया कि जो डेसिमल से किस प्रकार डेसिमल की पोजीशन चेंज होने से वैल्यू में चेंजेस आते हैं, तो आर्यभट्ट ने भी इस चीज़ को बताया। तो 0 और 1 जो है वो शून्य और शून्य के रूप में और 1 के रूप में ऑलरेडी वेद में मेंशन है, और 0 1 का रोल बहुत बड़ा गेमिंग थ्योरी में, प्रोग्रामिंग में और आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है, कोडिंग में बहुत ज़्यादा है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इंजीनियरिंग में, वो आता है जो कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है उसमें कम्युनिकेशन थ्योरी आता है। तो
किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करने का दो तरीका, एक तो वायर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं वायर के थ्रू जाता है, दैट इज कॉल्ड वायर कम्युनिकेशन। एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई मीडियम नहीं होता, हम जो बोलते हैं वो किस सेटेलाइट के माध्यम से भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, जो भी हम बोलते हैं वो वायरलेस विदाउट एनी वायर वो कम्युनिकेट होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट फॉर्म। सो अगर हम कम्युनिकेशन को रिलेट करें एंशियंट टाइम से, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो भी चीज़ें बोलते थे वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे सेलफोन यूज हुआ, ब्लूटूथ हुआ, या डिफरेंट थिंग। तो एंशियंट टाइम में आप देखो तो हर जगह नारद का एक रोल दिखता है जिसमें वो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन में ले जाते हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन से थोड़ा लिंक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूल मोड सिग्नल कम्युनिकेशन, जिसमें हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, मतलब एक ट्रांसमीटर होता है वो सिग्नल जनरेट करता है, सैटेलाइट ऊपर है वो रिसीव करता है, वो फिर जनरेट करता है और वो रिसीवर के पास जाता है। मतलब हम एक सिग्नल जो बहुत दूर है उसको हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखो तो महाभारत में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है संजय, तो वो धृतराष्ट्र को सारी स्टोरी बताते हैं, और जिस तरह से वो स्टोरी बताते हैं वो प्रूफ करता है कि वो वीडियो भी है और ऑडियो भी है, मतलब वो जो हर चीज़ वो बताते हैं इसका मतलब वो वीडियो भी देखते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें। तो यहाँ पे आप देखो तो जो संजय है वो एक तरह से रिसीवर है, और जो भी वहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा था वहाँ पे कोई डिवाइस थी जो ट्रांसमिट करती थी, और वो हर एक वीडियो और ऑडियो बताते थे धृतराष्ट्र को कि ये हो रहा है। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन साइंस भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। एक हम लोग पढ़ते हैं एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर पढ़ते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कंप्यूटर साइंस से आप वो रिलेट कर लो। तो जब कंप्यूटर बना तो उसका मेन रेफरेंस था कि इंसान का ब्रेन, मतलब इंसान की ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो काफ़ी मेमोरी इकट्ठा कर सकता है, काफ़ी फास्ट मेमोरी रिस्पॉन्स दे सकती है। तो जो हमारा जो ब्रेन है और कंप्यूटर दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर बना तो हमें डिफरेंस में इंसान का ब्रेन ही रखा गया, और जो हमारा ब्रेन है उसी को अगर हम देखें तो एक कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास एक चीज़ क्या है कि वो सबका डाटा रखते हैं, मतलब जो दिखाया गया है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भी चीज़ें होती है वो सबका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन, मतलब कौन क्या किया, अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग मिलेगा वरना नर्क मिलेगा, ये सब मेंशन है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं एम्बेडेड सिस्टम से, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर से। एक टॉपिक हम लोगों में आता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसको न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर में क्या है कि एटॉमिक बम जो है आज के, जो एक बार एटॉमिक बम इतना पावरफुल है कि अगर वो यूज हो जाए तो वो कई जनरेशन चेंज हो सकता है और प्रलय आ सकता है। तो महाभारत में कई जगह यूज किया गया ब्रह्मास्त्र और पशुपास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का यूज करने से मना किया गया था, यूज भी नहीं हुआ, लेकिन ये कहा गया कि अगर ये यूज होता तो पानी नहीं रहता और ये जीवन चला जाता, कोई नहीं बचता। और इसका एग्जांपल आप देखो तो हिरोशिमा नागासाकी की जो है वहाँ पे जब एटॉमिक बम गिरा था तो आज तक लोग डिफरेंट ही दिखते हैं, कई जनरेशन खराब हो गए, और पानी ये सब चीज़ की मतलब लोग नेचुरल नहीं पाए जाते अभी भी, अभी भी कई जनरेशन का जीन ही चेंज हो गया। तो एटॉमिक बम को आप रिलेट कर सकते हो ब्रह्मास्त्र और पशुपास्त्र से। फिर एक थोड़ा सा एक नया हम लोग का चल रहा है आजकल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो मशीन जैसे ECG है, EEG है, EOG है, ERG है, ये सब इक्विपमेंट यूज होता है, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस सब इक्विपमेंट को चलाने के लिए भी जो इसके लिए डिपार्टमेंट भी है BHU में भी है, इसका नाम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता है। तो अगर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन को आप वैदिक पीरियड से कोरिलेट करो तो एक कैरेक्टर है इसका नाम है सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है। सुश्रुत संहिता बुक जो है उसमें 120 तरह के इक्विपमेंट की बात की गई है, 120 तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट की बात की गई है, और आज तक 120 तरह के ही इक्विपमेंट यूज होते हैं। उनकी जो मैंने फोटो इसमें अटैच नहीं किया, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें यह कि जो जो इक्विपमेंट का जो मॉडल था, जो कलर था, जो है वही सेम है, सेप सेम है, बस इन्होंने थोड़ा मॉडलिंग किया है। तो जो 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पहले यूज होता था वो आज भी यूज होता है, बस जो इन्होंने 300 सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो अब बढ़ गए हैं काफ़ी, अब तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन उस समय भी प्लास्टिक सर्जरी होती थी, उस समय भी ब्रेन सर्जरी होती थी जो आज भी होती है। तो इस फील्ड में भी काफ़ी एडवांस हुआ है। दूसरा एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हम लोग बोलते हैं उसको फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन।
मतलब एरोस्पेस में प्लेन में जो इक्विपमेंट यूज होता है उसके लिए। तो एक ऋषि है महर्षि भारद्वाज, जो 7,000 साल पहले उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है विमान शास्त्र। विमान शास्त्र उसमें उन्होंने 4 मॉडल दिए हैं जिसका नाम है, जो फेमस है, त्रिपुरा विमान, रुकमा विमान, सुंदरा विमान, सकुना विमान। ये 4 विमान है। अभी जो फ्लाइट हम लोग जनरली यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, वो मैच करता है सकुना विमान से। आप देखो इमेज भी मैंने लगाया है, बिल्कुल उस वही मॉडल है जो फ्लाइट हम लोग यूज करते हैं, वो बिल्कुल इसी की कॉपी है। अभी नासा ने एक 2019 में एक लॉन्च किया था सैटेलाइट, उसका नाम है स्पेस एक्स ड्रैगन, ये आपके राइट साइड में है। वो उसका जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो फ्रंट व्यू है उसका नाम है, जो फ्रंट व्यू है वो देखिए आप, इससे सकुना विमान से इन्होंने कॉपी किया है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में सकुना विमान है और राइट साइड में ड्रैगन एक्स जो सैटेलाइट लॉन्च किया था 2019 में नासा ने, और जो साइड व्यू है वो भी देखिए मैच कर रहा है। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये मॉडल हमने इंडिया से लिया था, इंडिया के एंसेंट बुक से लिया था, उन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन वो यहीं से कॉपी है। और ये चीज़ें भी आपको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा रामायण में भी एक कैरेक्टर है जिसको कहते हैं पुष्पक विमान, तो कहीं ना कहीं अगर वो चर्चा किए हैं तो इसका मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग उस समय भी था। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक है जो मेरे काम से रिलेटेड है, वो है बैटरी। हर आदमी जितने भी यहाँ पे हैं सभी डीसी बैटरी यूज़ किया है, सभी को बैटरी की ज़रूरत होती है रिमोट में हर जगह। तो बैटरी बनाने का तरीका बहुत परफेक्टली मेंशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, अच्छे से एक एक चीज मेंशन है। वो एक श्लोक है और ये मेंशन देखिए, ये ऋषि अगस्त ने किया था अगस्त संहिता में, ये श्लोक लिखा हुआ है। इस श्लोक को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बता रहे हैं कि बैटरी कैसे बनती है। और इसको बनाने का तरीका इन्होंने दिया है कि एक घड़ा लिया है, उस घड़े में इन्होंने, यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं उसमें CuSO4 यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट, लेकिन उन्होंने कॉपर सल्फेट वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मोर के गर्दन के कलर का केमिकल, उस केमिकल का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। और उसमें उन्होंने कॉपर का प्लेट यूज किया है, उसके बाद उसमें जो लकड़ी के बुरादे होते हैं उसमें पानी डाल के उसके ऊपर रखा है, फिर जिंक पाउडर और मरकरी यूज किया है, फिर उसके बाद जो कॉपर है उस कॉपर के 2 वायर निकाल करके, जिसको हम लोग एनोड और कैथोड बोलते हैं, उन्होंने 2 वायर यूज किया है। और उसके बाद बिना कोई सप्लाई दिए, बिना कोई कनेक्शन लगाए, जो वोल्टेज अभी जो जनरेट होता है, जो हम लोगों ने चेक, जो लोगों ने चेक किया है, वो है 1.138 वोल्ट। और जब इसमें बिना कोई डिवाइस कनेक्ट किए अगर हम करंट देखें तो 23 mA कनेक्ट होता है। तो ये जो डीसी बैटरी उस समय जो श्लोक के माध्यम से इन्होंने बताया, जिसको मैंने आपको समझाया फिगर के माध्यम से, ये उस समय हो चुका था ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता में, जो मोर का जो गर्दन है वो केमिकल यूज होगा, और वो है मतलब जो अभी जो यूज होता है वो कॉपर सल्फेट है, लेकिन अभी जो बैटरी बनती है उसमें H2SO4 यूज होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट का कलर और इसका कलर एक है। तो वही है, कहा यह जाता है कि जो डीसी बैटरी है वो वोल्ट ने बनाया था, वोल्टा ने बनाया था, लेकिन उससे 4,000 साल पहले ही ऋषि अगस्त ने एक मॉडल दिया था, वही है। एक और चीज उसमें मेंशन था कि अगर इस तरह के घड़े सीरीज में उन्होंने 100 यूज किए थे, तो उन्होंने कहा कि एक के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट होगा उस तरह अगर 100 को एक साथ जोड़ दे, मतलब एक का आउट बाहर का दूसरे का, मतलब एक आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए सीरीज में, तो जो वोल्टेज जनरेट होगा वो सब बहुत ज्यादा होगा। वो आज भी कॉन्सेप्ट है, जब बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो सबके जोड़ के बराबर होता है, मतलब एक बैटरी का आउटपुट दूसरे बैटरी से जोड़ेंगे, दूसरे का तीसरे से जोड़ेंगे, तो जो फाइनल जो हमें मिलेगा वोल्टेज वो बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए इसी अगस्त ने 100 ऐसे घड़ों का यूज किया था, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। वही चीजें जो वोल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कॉपर सल्फेट की जगह उन्होंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, प्रोसेस सेम था, घड़े की जगह उन्होंने बीकर यूज किया था, और उन्होंने भी ये किया था कि सीरीज में जोड़ करके वोल्टेज कैलकुलेट किया, उन्होंने 100 घड़े यूज किए थे, एक का आउटपुट, एक का वायर दूसरे के इनपुट में जा रहा है, दूसरे का तीसरे में जा रहा है, मतलब सीरीज में जुड़े हुए, एक घड़े के कारण 1 वोल्ट जनरेट हुआ, 3 घड़े के कारण 3 वोल्ट जनरेट हुआ, मतलब सबके सम के बराबर। ये बता रहे हैं कि जो मूर्ति है वो दिखते नहीं थे, तो फिर वो बने क्यों, मतलब उस समय भी यूज होता था डीसी बैटरी का, उसके थ्रू जो लाइट जनरेट होती थी उसके थ्रू वो देखते थे। ऋषि अगस्त ने ये भी बोला था कि जो वाटर है पानी, वो डिवाइड होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट होता है, उसका नाम उन्होंने डिफरेंट दिया था, और उसको उन्होंने ये कहा था कि जो, यहाँ पे उन्होंने कहा कि 100 घड़े को, 100
100 घड़े को सीरीज में अगर रखते हैं तो जो वोल्टेज जनरेट होता है वो ऋषि अगस्त ने उस समय 100 घड़े का यूज किया था। और आपको उन्होंने जो एक चीज बताया था वो ये है कि वाटर को अगर डिसोसिएट करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट होता है, लेकिन उन्होंने जो नाम यूज किया है उसका नाम है प्राणवायु उदान वायु। प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन, उदान वायु मीन्स हाइड्रोजन। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जो उदान वायु है उसको किसी कपड़े में बांध के छोड़ दिया जाए तो वो कपड़ा उड़ सकता है। तो वही आप जानते हो हाइड्रोजन बैलून, हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है, अगर उसे बैलून के अंदर डालते हैं तो बैलून उड़ता है। तो उसी का यूज हम एरोडायनेमिक्स में करते हैं, मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलून जो है वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ऋषि अगस्त ने उस समय ही दे दिया था। तो वही वो बता रहे हैं कि और जो वाटर दो पार्ट में बंटता है जिसका नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका नाम उन्होंने लिखा था प्राण वायु एंड उदान वायु। ये सिर्फ 5 घड़े से ये मोटर चालू करेंगे, सिर्फ 5 घड़े से। अगर 100 घड़े इस तरह से हो तो क्या स्पीड होगी वो आप समझ सकते हो, क्या वोल्टेज जनरेट होगा। उन्होंने कोई अगस्त ने कोई मेटल यूज नहीं किया था, कोई धातु यूज नहीं किया था, घड़ा इसलिए यूज किया था कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। इसका साइड व्यू है डीसी बैटरी बनाने का। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे रिलेट हो सकता है, वो ये है कि ऋग्वेद में वर्ड यूज किया गया है इंद्र और विद्युत, विद्युत मीन्स बिजली, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मेजरमेंट थोड़ा हम लोग मेजरमेंट भी पढ़ते हैं, तो लेंथ मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट उस समय ये था कि जो फिंगर यूज करते थे, लेग यूज करते थे, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने डंडे का यूज करना शुरू किया पर्टिकुलर लेंथ के लिए, जो अभी हम मीटर सेंटीमीटर करते हैं, तो उस समय ऐसा था। वेट भी मेजर करते थे, मास भी मेजर करते थे उस समय में, जिसके लिए वर्ड यूज करते थे वो लोग, जैसे लोग बोलते हैं कि किलोग्राम ग्राम उस समय था, रति मासा चटक तोला, ये वर्ड ये यूनिट थी उस टाइम में, जिस टाइम में वेट मेजर करते। मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जो मतलब हम लोग के एरिया से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत को रिलेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए एक तरीका जो अभी भी वेइंग मशीन का होता है, कैसे वेट मेजर करते हैं, वो उस समय भी था, कंपेयर करते थे एक वेट को दूसरे वेट से, और यूनिट जो है वो यूनिट ये है कि जो अभी हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करें, हम लोग ग्राम और किलोग्राम में डील करते हैं, तो इस तरह से कन्वर्जन था। जनरली जो चावल के दाने हैं वहाँ से स्टार्ट होता है जो हम लोग, तो एक चावल का दाना को एक धान बोलते थे, एक धान को 0.113398 ग्राम की इक्विवेलेंट माना गया है, फिर उस को किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब वेट भी मेजर होता था। टाइम की बात करें तो टाइम ही लोग डिसाइड करते थे कि सूर्य के किरण से जो परछाई बन रही है उसकी लेंथ क्या है, वो डिसाइड करते थे कि टाइम क्या है। फिर उस समय टाइम क्या होगा वो परछाई से कैलकुलेट करते थे, कभी पेड़ों के कभी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, लेकिन उसके लिए भी यूनिट बनाई गई थी उस टाइम में। उसको अगर सेकेंड में कंपेयर करें तो ये है कुछ परमाणु अणु, ये सब टाइम के यूनिट थे उस टाइम में, जिसको अगर हम अभी के टाइम से कंपेयर करें तो कुछ इस तरह का है। फिर जो युग जो बोलते हैं कलयुग बराबर इतना वुमेन ईयर, ये सब भी कंपेयर किया गया, तो टाइम के बारे में भी अच्छा खासा काम उस समय हो चुका। 7 दिन होते एक हफ्ते में, तो उसको हम लोग संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन उसको इन लोगों ने देवताओं से कनेक्ट किया, जिसको कहते हैं सूर्य सोम मंगल बुध गुरु लाइक दैट। तो 7 डे होते हैं वो भी डिस्कस किया गया इसमें। हाँ, कलर के बारे में क्या है कि हम लोग जो फिजिक्स में कलर देखते हैं वो मैक्सवेल ने किया था 19th century में। वो ये किया था कि एक प्रिज्म में वाइट लाइट क्रॉस किए थे तो वो 7 कलर में डिवाइड हुआ था, मतलब एक सब वाइट लाइट 7 अलग अलग कलर से मिलके बनी है, जिसको हम लोग विप्रग्योर बोलते हैं, वायलेट VIG ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो 7 कलर से मिलने से वाइट कलर 7 कलर में डिवाइड होती है, ये मैक्सवेल ने प्रूव किया था 19th century में। बहुत बहुत पहले एक ऋग्वेद में ये जो है 5.45.9 पे एक इमेज बना हुआ है, ये देखिए। इसमें ये है कि जो सूर्य हैं वो बैठे हैं सेंटर पे, वो सफ़ेद कलर का ड्रेस पहने हैं और उनके घोड़े 7 हैं। तो ये 7 घोड़े जो है वो 7 कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो सूर्य का कलर है वो वाइट कलर है, यहाँ पे भी जो कलर है कोई भी कलर वो वाइट ही होता है, उसको 7 कलर के मिलने से बनता है। वो इन्होंने घोड़े के माध्यम से बताया कि सूर्य वाइट कलर के हैं, मतलब वाइट है, ऐसे भी सनलाइट वाइट ही होती है, तो उससे 7 घोड़े मतलब 7 डिफरेंट कलर है, तो इसको भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो कलर का मेजरमेंट उसी समय हो चुका था जो अभी न्यूटन ने किया था 1966 में,
प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से, प्रिज्म में उन्होंने व्हाइट लाइट भेजा, वो व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हुआ, वो वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइड हुआ था कि जिसकी जिसकी वेवलेंथ जैसी होती थी उतना ही वो बेंड करता था। वो चीजें पिक्चर के माध्यम से ऋग्वेद में ये दिखाया गया। तो ये चीजें कोरिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। फिर एक मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की गति क्या है। तो अभी जो हम लोग प्रकाश लाइट जैसे ट्यूबलाइट या कोई भी लाइट की बात करते हैं, उस समय लाइट का मतलब सूर्य की रोशनी होती थी। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब सूर्य की लाइट क्या है, की स्पीड क्या है। तो जनरली जो सूर्य की स्पीड जो कैलकुलेट जो हम जानते हैं, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बाद में, तो वो था 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड था। लेकिन ऋग्वेद में जो चीज कई हजार साल पहले ही मेंशन किया है, उन्होंने ये लिखा है श्लोक में, श्लोक में उन्होंने लिखा है जिसका मीनिंग ये है कि सनलाइट ट्रैवल 2202 योजन इन हाफ निमिषा। मैंने आपको टाइम का यूनिट बताया था, जैसे अभी सेकेंड है उस समय निमिषा था। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में, तो जो अभी जो डिसाइड हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो इसको जस्टिफाई करता है। जैसे कि 15 निमिषा बराबर ये सब करने के बाद आप देखो, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो एक घंटे में 3600 सेकेंड, तो एक दिन में 24×3600 ये सेकेंड हुआ। और जो ऋग्वेद में लिखा है वो ये है 44,09,050 निमिषा। तो सेकेंड और निमिषा को कंपेयर करें तो पाते हैं एक निमिषा बराबर 0.2112 सेकेंड। अगर हम इसको फोकस करें, एक निमिषा बराबर 0.211 सेकेंड, तो हाफ निमिषा बराबर हो गया 0.1056 सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि इसको मैं यहाँ रखता हूँ जो ऋग्वेद में लिखा है 2202 योजन इन हाफ निमिषा। इसको अगर हम करें तो माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ रहा है 1,89,547 माइल्स पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और जो मैक्सवेल ने प्रूफ किया था वो था 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% का डिफरेंस है, जिसको कैलकुलेशन इधर भी कर सकते हो आप। तो ये जो हम लोग अभी यूज करते हैं वो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पहले भी जो था उसके कंपेरेबल है। राउंड ऑफ करें तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर ये भी आप जानते हो कि डिस्टेंस, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वो बाद में कैलकुलेट हुआ, लेकिन हनुमान चालीसा में ये श्लोक है युग सहस्त्र जोजन पर वाहनु लिलियो ताही मधुर फल जानु। इसको अगर आप देखो तो इस तरह है, एक युग बराबर 12,000 साल, एक सहस्त्र युग बराबर 1,20,00,000 ईयर। तो इनको तीनों को कंबाइन करो तो आप देखो युग सहस्त्र योजन, तीनों वर्ड को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 9,60,00,000 माइल्स। तो इसको अगर हम किलोमीटर में करें तो ये पड़ रहा है 15,36,00,000 किलोमीटर। और जो रियल कैलकुलेशन है सन और अर्थ के बीच का, पृथ्वी के बीच का, सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस वो है यही कोई 15,20,00,000। तो बहुत माइनर डिफरेंस है। तो ये प्रूफ होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हनुमान चालीसा में मेंशन है। तो ये भी थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो कि ये कैसे पॉसिबल था, कैसे मेजर किया गया। ये ऐसे हुआ कि ये इसको फल समझ के कैलकुलेट दूरी तय किए थे पृथ्वी से सूर्य तक की, तो उसको हनुमान चालीसा में मेंशन किया गया। हनुमान जी ने पृथ्वी से दूरी तक की जो ट्रैवल किया था तो उसको उन्होंने श्लोक के माध्यम से किया। और वो जो दूरी है उसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो वो मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत माइनर डिफरेंस है, तो ये कंसिडर किया जा सकता है। अब ये है कि फिजिक्स में आते हैं, जो बिना फिजिक्स मीन्स अप्लाइड फिजिक्स, जिस फिजिक्स का यूज करके हम लोग काम करते हैं कोई भी, तो उसमें जो मोशन होता है मतलब मूवमेंट होता है, किसी भी चीज़ में गति आती है, तो उसके लिए न्यूटन के 3 नियम 10th 12th से ही हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने बताया था वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंस टू रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंस टू रिमेन्स इन मोशन अनलेस विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन इट। मतलब अगर ये चीज स्थिर है तो ये स्थिर रहना चाहेगी, जो गति में है वो भी गति में रहना चाहेगा जब तक हम उस पर कोई बल नहीं देते हैं, मतलब जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ये सेम चीज लिखा हुआ है इसमें वैशेषिका सूत्र, वैशिक सूत्र, ओके ओके, उसमें इन्होंने श्लोक लिखा है
वेगा निमित्त विशेषात कर्मनो जायते, जो सेम प्रिंसिपल बताता है कि चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस फोर्स, मतलब कोई भी चीज अगर मोशन में आती है, मूवमेंट होता है, चलती है, जब हम उस पर बल लगाते हैं, बिना बल के वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, मतलब जिस स्टेट में उसी। फिर न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है कि जितना हम बल लगाएंगे उसी हिसाब से मोशन होगा, दैट इज चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, और ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इसको भी आचार्य कंडर ने लिखा था, वेगा निमित्तापेक्षात कर्मनो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु, इसका भी मीनिंग वही है, चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस सॉरी फोर्स एंड इट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया जनरेट होगी, मतलब जैसे ये जो बॉडी है ये फिक्स है, तो अगर हम इस पे बल जिस डायरेक्शन में लगाएंगे ये बॉडी भी हम पे बल उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में लगाएगी, और इसका मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक हमारा बल इससे ज़्यादा ना हो। तो इसको भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आचार्य कंडर ने लिखा है, वेगा संयोग विशेष विरोधी। ओके आचार्य कनाड, थैंक यू। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ भी कोरिलेट है इससे। फिर एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो कहा जाता है कि एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया था, लेकिन उससे 2500 साल पहले ही आचार्य कनाड ने, जिसको कश्यप भी कहा गया, तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था, उसको उन्होंने परमाणु अणु ये वर्ड का यूज किया था, अणु परमाणु, तो ये एटॉमिक थ्योरी को भी जस्टिफाई करता है। ठीक, और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स आइजक न्यूटन ने दिया था सभी जानते हैं, लेकिन भास्कराचार्य ने उसको कहा था गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कैसे हुआ था, न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा तो उन्होंने उसको उसका रिजल्ट ये निकाला कि हर एक चीज़ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, इसीलिए वो सेब नीचे गिरा। तो ये चीज़ को भास्कराचार्य ने बहुत पहले ही गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया था, तो उसको मेंशन है। अब जो ऋग्वेद में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है वो ये है कि ऋग्वेद में इस पॉइंट पे एक मेंशन है कि सब कुछ एक दूसरे को, मतलब हर एक प्लानेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, इसीलिए वो अपनी जगह फिक्स है। फिर इस श्लोक में ये है कि सन मतलब सूर्य के पास बहुत पावर है, जो है भी सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी, हम उसको एनर्जी बोलते हैं या इन्होंने पावर यूज किया है। और फिर ये यजुर्वेद के इस श्लोक में ये मेंशन है कि जो अर्थ रोटेट होता है, मतलब अर्थ जो घूमता है सूर्य की तरफ, तो सूर्य फिक्स है, अर्थ रोटेट होता है, तो उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी मेंशन है। ऋग्वेद के श्लोक में मेंशन है कि ऋग्वेद के एक श्लोक में मेंशन है कि अर्थ और जितने भी रिलेटेड जितने भी प्लानिट हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अथर्ववेद में के इस पॉइंट में लिखा है कि सन हैज मतलब अर्थ और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीज़ें हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऋग्वेद के 1.84.15 में है वो ये है कि जो चांद है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है, दैट इज मेंशन है। तो उसी तरह मैथ्स के बारे में आर्यभट्ट ने काफ़ी काम किया है, तो वो भी मेंशन है, पाई की वैल्यू 3.1416 है, वो भी डिस्कवर हुआ है, यजुर्वेद में भी काफ़ी काम हुआ है। तो ये मतलब जो चीज़ें मेरे एरिया में थी उसको रिलेट करने की कोशिश किया हूँ, मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैच करे, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें मैच होती है, तो यही चीज़ जो मुझे जो मेरा एरिया है उससे कैसे पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी रिलेट होती है उसको मैंने किया है। और ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ जस्टिफाइड है, तो जितना भी हो सके उसको पॉजिटिव ले तो सही है, क्योंकि हम जो चीज़ कोई आपस में बताता है तो हम उसे नहीं मानते, जब कोई बाहर का आदमी बताता है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो हो सकता है हम में से कई लोग हैं जो उसको सोचते होंगे कि ये टाइम पास है या कुछ है, लेकिन ये है कि मुझे जो सही लगा तो मैंने उसको इससे रिलेट किया। एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मैच करता है। और पुराने और अब में फ़र्क ये है कि पुरानी चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं था, बस लिख दिया गया, फोटो दिखा दिया गया कि मतलब सूर्य उसके साथ घोड़े हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है। मैक्सवेल ने उसको प्रूफ किया कि प्रिज्म से प्रूफ किया, अभी एक वीडियो दिखाया उसमें बना के छोड़ दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं था। तो पुरानी चीज़ें जो भी है वो अभी से मैच करती है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। अभी जो भी होता है उसका प्रूफ है, तो जो प्रूफ होता है उसको मानते हैं, लेकिन जो प्रूफ करता है वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि आइंस्टीन ने कई बार बोला कि जब भी मुझे डाउट होता है तो मैं गीता पढ़ता हूँ या ये सब। तो कहीं ना कहीं पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस उस समय बहुत ज़्यादा थी इंडिया के हिसाब से, जो किसी कंट्री में नहीं थी।
अब तो सभी एडवांस है, लेकिन उस जमाने में जो रिसर्च हुआ था या जो काम होता था वो आज के टाइम में अब उसके पैरेलल हो रहा है, तो इसका मतलब उस जमाने में क्या टेक्नोलॉजी होगी वो सोचने वाली बात है। आज के टाइम में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उस जमाने में जो हुआ था वो किसी कंट्री में नहीं हुआ था, वो इंडिया में हुआ था। तो अगर हम जैसे सुन लेते हैं कि यहाँ से नारद या जो भी संजय ने ये इन्फॉर्मेशन दिया ये दिया, तो उसको अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है। अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है किसी ने बताया नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग करते हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो ये है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये इमेज को आप देखो कि ये जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का है वो कैसे मैच कर गया। तो कहीं ना कहीं ये जो भी हम फ्लाइट से हम लोग जाते हैं वो सकुना विमान से मैच करता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैटर रखती हैं। और मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा वर्क है, लेकिन वेद जो है वो फिजिक्स है। कोई क्वेश्चन? मेरा मानना है कि जब वैदिक वैदिक नहीं मतलब एंशियंट टाइम, वैदिक मुझे पता नहीं वैदिक टाइम क्या होता है, लेकिन एंशियंट टाइम के हिसाब से ये था कि जो भी चीजें थी हम लोग मतलब जो भी काम होता था उसमें ये था कि उसका साइड इफेक्ट है या नहीं, मतलब कोई भी चीज कर लिए उसका साइड इफेक्ट है या नहीं उस पर भी ध्यान देते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में टारगेट है कि हमें यह टारगेट अचीव करना है, उसका साइड इफेक्ट है या नहीं वो मैटर नहीं रखता। जैसे कि जो ब्रह्मास्त्र पशुपास्त्र तो मैंने वर्ड यूज किया, ये इसका यूज अलाउ नहीं था, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है एटोमिक बम का यूज अलाउ है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट है। जैसे कि आयुर्वेद होम्योपैथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एलोपैथ के साइड इफेक्ट है। तो पुराने टाइम में जो काम होता था उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, आज के टाइम में हम टारगेट चाहते हैं कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, इसका अगर थोड़ा साइड इफेक्ट हो तो चलेगा। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बेटर है, इसलिए बेटर है क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं उसका प्रूफ है, वो करके दिखाते हैं और वो प्रूफ करते हैं। और पुराने टाइम में प्रूफ नहीं है किसी चीज़ का, बस लिख दिया गया। जब तक किसी चीज़ का प्रूफ ना हो उसको मानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों अच्छी है, लेकिन पुराने वाले में विशेष था कि इन्वायरमेंट को फर्क ना पड़े, पर्यावरण को फर्क ना पड़े, जीवन को फर्क ना पड़े, जीव जंतुओं को फर्क ना पड़े, ये मेन पॉइंट था। आज के टाइम में है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाना चाहिए, तो ये है इम्पोर्टेंट। मतलब इम्प्लीमेंट, हाँ इम्प्लीमेंट करने में ये है कि जो साइंस के लड़के हैं या इंजीनियरिंग के लड़के हैं उन्हें संस्कृत नहीं आती, आती है तो उस लेवल तक नहीं आती। जो संस्कृत के लोग हैं उन्हें साइंस नहीं आता, तो ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो, मतलब जो पुरानी बुक है उसको इंग्लिश में या हिंदी में कन्वर्ट हो ताकि आम आदमी पढ़ सके और रिलेट कर सके। आम आदमी मीन्स साइंस और इंजीनियरिंग वाले, या जो वेद वाले हैं वो साइंस इंजीनियरिंग को समझे, तो दोनों को मिक्स करके हो सकता है, जो बहुत टफ है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट कर ही रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम एक लॉन्च हुआ है IKS, इसमें बीटेक MBA जितने भी कोर्सेज टेक्निकल कोर्सेज हैं उनको अपना एंशियंट टेक्नोलॉजी एंशियंट साइंस पढ़ना मस्ट है। उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे लेकिन उसको पास के बिना डिग्री नहीं मिलेगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में IKS आया है, फिर मैंने सुना था वो नेट पर भी देखा, वो रियल है, तिरुपति तिरुमाला देवदर्शनम जो साउथ में है, तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास जो मंदिर है वहाँ पे, और DRDO में MOU साइन हुआ है कि जो भी रिसर्च सॉरी जो भी बुक है उसको वो संस्कृत को इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 100 गुरुकुल जो संस्कृत में है वो काम कर रहे हैं और वो उसको कन्वर्ट करेंगे संस्कृत लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश में। और ये MOU साइन है DRDO और आपके तिरुपति तिरुमाला दर्शनम दोनों मिलकर के इस वैदिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं। और ये भी सेंटर उसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पर दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और दोनों को पढ़ाया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है।